नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच उन शेयर के बारे में जो पिछले चार महीने में अपने इन्वेस्टर को मालामाल किया है। तो ऐसे स्टॉक्स जब भी आपको गिरावट में मिले तो जरूर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके फंडामेंटल्स और इसके टेक्निकल चार्ट को जरूर एनालाइज करना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके टेक्निकल चार्ट पर देखेंगे कैसा रिटर्न दिया है, कितना बेहतरीन ये स्टॉक्स है। इसमें से एक स्टॉक्स ऐसे है जो कि स्टॉक मार्केट का राजा है, जिसके बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं। तो इस पांच लिस्ट में वो भी स्टॉक्स है और साथ साथ चार अन्य स्टॉक्स है जो कि काफी कम न्यूज में रहता है, लेकिन ये इन्वेस्टर को काफी ज्यादा रिटर्न दिया है। 300% तक का रिटर्न दिया है इसमें से एक स्टॉक ने। तो चलिए इस वीडियो में हम उन पांच स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जो कि इन्वेस्टर को काफी ज्यादा बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक में आपको गिरावट में मिलता है, कभी भी मौका मिलता है तो आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। सबसे पहला स्टॉक से देखते हैं IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अभी सारे फार्मा स्टॉक्स में काफी तेजी बनी हुई है, वैसे में ये कंपनियां और काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है और ये कंपनियां 300% का रिटर्न दे चुका है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ यही पांच स्टॉक है जिन्होंने मालामाल किया, और कई सारे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में बात करते रहेंगे। तो आप स्टॉक मार्केट में खोजते रहिए कि कौन कौन से वैसे स्टॉक्स हैं जो इसमें काफी तेजी देखने मिला है, उन सेक्टर को एनालाइज कीजिए और उनमें खोजिए कौन सा स्टॉक्स आगे आपको रिटर्न दे सकता है। ये स्टॉक्स देखते हैं काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया, एक दिन में भी 0.49% का रिटर्न, 5 डेज में देखिएगा तो 5 डेज में भी पॉजिटिव रिटर्न, 5 डेज में आप देख लीजिए 5 डेज में भी पॉजिटिव रिटर्न 6% से ज़्यादा का, 6.40% का रिटर्न पॉजिटिव में। 1 मंथ में देखिए, 1 मंथ का चार्ट आप देख करके काफ़ी अट्रैक्ट हो जाएंगे इस स्टॉक की ओर, 64.27% का रिटर्न। मतलब ये स्टॉक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जब देखिए तो ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर 6 मंथ में 293.24% का रिटर्न, 6 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न। और जब इसमें गिरावट आया था 24 मार्च को तो वहाँ से देख लीजिए तो वहाँ से ये 381% का रिटर्न, हमने तो 300 बोला, यहाँ तो 400 के आसपास पहुँच चुका है ये स्टॉक्स। अगर कोई गिरावट में इसमें बाइंग करता, इन्वेस्ट करता तो उसे 381% का रिटर्न अभी प्राप्त होता। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक में इन्वेस्ट करें, जैसे तैसे पैनी स्टॉक्स में आप ना फंसे। अब देख लेते हैं इसमें गिरावट कितना हुआ था, तो गिरावट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हुआ था, 45.89% का गिरावट हुआ था और वहाँ से काफ़ी तेज रिकवरी देख सकते हैं। कभी भी स्टॉक फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और इन्वेस्टर को काफ़ी मालामाल किया है। ये था पहला स्टॉक, अब चलते हैं हम दूसरे स्टॉक। दूसरा स्टॉक भी हमारा फार्मा सेक्टर से है, ग्रेन्युलेज इंडिया। ये भी काफी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, 1 डे में देखिएगा पॉजिटिव रिटर्न, 1 डे में ये 7.61% अप है। इसका हमने पीछे भी एक वीडियो बना करके आपको बताया था ग्रेन्युलेज इंडिया के बारे में, पीछे भी हमने एक वीडियो बनाया था 4-5 दिन पहले। तो 5 डेज में भी देख लेते हैं रिटर्न, तो 5 डेज में भी देख सकते हैं कि 12.56% का रिटर्न, तो काफी बेहतरीन रिटर्न। 1 मंथ में देख लेते हैं, तो 1 मंथ में आप देख लीजिए 54.83% का रिटर्न, 6 मंथ में देख लेते हैं तो 6 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न, तो 6 मंथ में देख लीजिए तो 6 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न 99.34% का। अब हम बात करते हैं जब इसमें गिरावट आया था पैंडेमिक में, तो वो था हमारा मार्च का महीना, 19 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक। तो यहाँ पर 23 मार्च का जो इसमें गिरावट आया था वहाँ से देख लीजिए 158% का रिटर्न, 158% का रिटर्न। तो देख सकते हैं फार्मा की दोनों स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। अभी इस लेवल पर आपको बाय करना चाहिए या नहीं ये आपको निर्णय करना है, क्योंकि मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो इसमें भी करेक्शन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूव कर चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा मूव तो हायर लेवल पर आपको बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सब डिसीजन आपको थोड़ा रिसर्च करके लेनी चाहिए, क्योंकि अभी ये काफ़ी हाई पर चल रहा है। लेकिन हाई पे चल रहा है तो फिर भी ये नया पर नया हाई बनाते जा रहा है। तो इसी तरह से जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे नेस्ले है, तो कभी वो भी स्टॉक्स जो है 300, 400, 5000 का हुआ करता था, तो वो ऊपर चलते जाता था, लोग कहते थे ओवर वैल्यूड है नीचे आएगा, ओवर वैल्यूड है नीचे आएगा, लेकिन अभी वो 15000 से भी एबव जा चुका है नेस्ले इंडिया का शेयर। तो उसी तरह से कई सारे स्टॉक्स है
जो आयसर मोटर्स है उसके भी स्टॉक्स आप देखें 30,000 से ऊपर जा चुका था, MRF 70,000 से ऊपर जा चुका था। तो काफ़ी सारे महंगे महंगे स्टॉक्स भी है, श्री सीमेंट काफ़ी महंगा स्टॉक्स है। तो सारे स्टॉक्स इसी तरह से मूव करते हैं, लोग कहते हैं नीचे आएगा, तो अब वो आपको जजमेंट लेना है आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। उसके बाद तीसरा स्टॉक है हमारा मुथूट फाइनेंस। ये देखने ये वन डे में, मतलब जो पिछला ट्रेडिंग उस दिन डाउन है, लेकिन 5 डेज में देखिएगा तो अभी भी ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। 5 डेज में भी पॉजिटिव रिटर्न, 10% का रिटर्न। उसके बाद 1 मंथ में देखिए तो 1 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ में देखिएगा तो 20% का रिटर्न, 6 मंथ में देखिए तो 6 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 73% का रिटर्न। अब बात करते हैं जब गिरावट आया था पैंडेमिक में वहाँ से कितना रिटर्न दिया है, तो यहाँ से देख सकते हैं 153% का रिटर्न। तो जिन्होंने भी पैंडेमिक में ऐसे स्टॉक्स में निवेश किया वो काफ़ी मालामाल हुए हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करते हैं 1,00,000 रुपीज़ तो आपको 1,53,000 रिटर्न के रूप में प्राप्त होता, 1,53,000 आपको रिटर्न प्राप्त होता। आपका जो कैपिटल 1,00,000 था वो तो रहता ही इन्वेस्टेड, उस पर रिटर्न मिलता 1,53,000, मतलब 1,00,000 का कैपिटल आपका हो गया 2,53,000। तो काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। उसके बाद हमारा चौथा स्टॉक है वो है स्टॉक मार्केट का राजा रिलायंस, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया कि काफी बात कर चुके हैं, इसलिए हमने इसको शुरुआत में नहीं लिया क्योंकि इसके बारे में काफी बार जान चुके हैं, हर कोई जानता है कि रिलायंस इंडस्ट्री में अभी आग लगा हुआ है। देख सकते हैं एक दिन में 90.04% तेजी, मतलब एक दिन में 5% 4% का तेजी देखने मिल रहा है इस स्टॉक में। इसमें भी देखिएगा 4-5 डेज में भी रिटर्न, 1 डे में भी रिटर्न, मतलब जो पिछले दिन इसमें इन्वेस्ट किया उसको भी देख सकते हैं, उसको भी 4% का रिटर्न मिल रहा है। 5 डेज में जो इन्वेस्ट किया उसको भी पॉजिटिव रिटर्न, उसको भी देख लीजिए यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है 12% का। 1 मंथ में जो इन्वेस्ट किया उसको भी पॉजिटिव रिटर्न 24% का। तो यहाँ से 6 मंथ में जो इन्वेस्ट किया उसको भी पॉजिटिव रिटर्न आप देख लीजिए। यहाँ से पैंडेमिक में जो इन्वेस्ट किया उसको देख लेते हैं, तो पैंडेमिक में यहाँ पर जो गिरावट आया था, यहाँ पर गिरावट से देखिए तो 145% का रिटर्न। तो जिन्होंने भी गिरावट में इन्वेस्ट किया उसमें उन्हें माला माल कर दिया रिलायंस ने। तो ऐसे स्टॉक्स जब भी गिरावट मिले जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक तो काफ़ी सिक्योर है, ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक है। तो ये स्टॉक जब भी गिरावट मिले जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए, ये ब्लू चिप कंपनी है जिसमें आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो ये था हमारा चौथा स्टॉक, और अब चलते हैं हम पाँचवें स्टॉक की ओर। और पांचवा स्टॉक है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो इसका भी देख लीजिए 1 डे में तो डाउन है, 5 डेज में देख लीजिए, 5 डेज में पॉजिटिव रिटर्न, तो देख सकते हैं 18% का रिटर्न। 1 मंथ में देख लीजिए, 1 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ में देख लीजिए 37% का रिटर्न, 6 मंथ में देख लीजिए तो भी पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट में देख लीजिए तो भी पॉजिटिव रिटर्न। तो यहाँ से गिरावट जो आया था उस पैंडेमिक में उस वहाँ से देख लीजिए तो 139% का रिटर्न। तो गिरावट जो इसमें हुआ था पैंडेमिक में उसमें कोई इन्वेस्ट किया रहता तो उसे मिल चुका अभी तक में 139% का रिटर्न। तो ये पांचों स्टॉक्स अपने इन्वेस्टर को काफ़ी मालामाल किया है, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है जिन्होंने भी उस पैंडेमिक सिचुएशन में गिरावट में इन्वेस्ट किया। अब इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक से देखते हैं काफ़ी यहाँ पर नीचे के प्राइस पर मिल रहा था, ये मात्र जो है 4,000 पर जब मिल रहा था, हमने भी कई बार वीडियो बनाया, जिन्होंने भी वहाँ इन्वेस्ट किया उन्हें काफ़ी बेहतर रिटर्न मिला है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये काफ़ी हाई प्राइस पर हो चुका है, अब नीचे आएगा। स्टॉक्स है कि नया पे नया हाई बनाते जा रहा है। ये सारे स्टॉक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया, फिर एक दिन मार्केट में तेज़ी आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, फिर कभी तेज़ी आई इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने मिलता है। इस तरह से ये नया पर नया हाई बनाते जा रहा है ये स्टॉक्स। अगर मैक्सिमम ईयर का भी चार्ट देखिएगा, देख सकते हैं ये स्टॉक्स 4,000 के आसपास यहाँ पर था, वहाँ से काफ़ी करेक्शन आया, उसके बाद जो इसमें तेज़ी आई है तो लगता ही नहीं कि सिचुएशन का कोई फर्क इस स्टॉक पर पड़ रहा है, ये लगातार नया पर नया हाई बनाते जा रहा है इस स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक थोड़ा सा रिसर्च करना है इसके फंडामेंटल्स पर, इसके टेक्निकल्स पर और इसके बिजनेस पर। सबसे बड़ा होता है बिजनेस और मैनेजमेंट, इसका बिजनेस आगे कैसा है। अगर आपको ये कंपनियां पसंद आती है, इसके बिजनेस पसंद आते हैं, कंपनी पसंद आनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट बेहतरीन होनी चाहिए और उसके जो कंपनी पसंद आए बिजनेस पसंद आना चाहिए। तो इन सारे पैरामीटर्स को देख करके आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।